तो गाड़ी यार देखो ये लंबी है, अंदर साइड स्पेस ज़्यादा मिलेंगे, बूट स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा। ये गाड़ी है भाई छोटी, इस वजह से उसके मुकाबले थोड़ा स्पेस कम मिलेगा, बूट स्पेस भी कम मिलेगा। हेलो भाई, मैं हूँ आसिफ सुभानी और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किया सेल्टॉस और किया सोनेट की दोनों के बीच कंपैरिजन वीडियो, क्योंकि दोनों किया वालों की गाड़ी है और दोनों 5 सीटर है और साथ में दोनों में फीचर्स अच्छे खासे किया वाले दे देते हैं भर भर के। तो अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं या फिर नॉर्मल कोई भी कस्टमर्स है जो गाड़ी का शौक रखता है वो कंफ्यूज होता है भाई कि दोनों में क्या फ़र्क है, तो आ जाओ आज इस वीडियो में ए टू जेड फर्क को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले किया सेल्टॉस की बात करें तो ये है अपना 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल वाला, बेस से एक ऊपर वाला वेरियंट HTK, और ये है अपना किया सोनेट का 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल के साथ HTK+, यानी HTK और HTK जो प्लस है ना, प्लस का सिर्फ फ़र्क है। प्राइस और फीचर्स का क्या फ़र्क है वो चीज़ आगे इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चलेगा। तो ये लेने जाते हो सेल्टॉस का ये वाला वेरिएंट, तो इसके लिए आपको एक शोरूम देने पड़ जाते हैं लगभग 12,09,000 रुपये, और ऑन रोड चला जाता है 14,12,000 रुपये करीब अपने पटना बिहार में। वहीं लेने जाते हो आप ये सोनेट, तो इसके लिए आपको देना पड़ता है 9,89,000 रुपये, और ऑन रोड चला जाता है 11,47,000 रुपये। तो भाई प्राइस में ना किया सोनेट जो है ये 2,65,000 रुपये सस्ती है इस किया सेल्टॉस के मुकाबले, और सस्ती के साथ साथ फीचर्स भी आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं सेल्टॉस के मुकाबले। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं किया सेल्टॉस से। तो सबसे पहले चाबी देख लो, दोनों की आपको सेम चाबी मिलती है। गाड़ी लॉक करना है, गाड़ी लॉक करो, गाड़ी आपको अनलॉक करना है तो गाड़ी आप अनलॉक करो, ये हो गया। और तीसरे कंट्रोल्स मिलते हैं टेलगेट अनलॉक करने से रिलेटेड, सेम आपको इसमें भी मिल जाता है। गाड़ी लॉक करना है, गाड़ी अनलॉक करना है, और ये मिल जाता है टेलगेट अनलॉक करने से रिलेटेड। तो चाबी तो भाई सेम मिलते हैं, बट चाबी में भी ना एक फ़र्क है, वो आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो में। फ्रंट में यहाँ पर आते हो तो इस जगह मिल जाता है प्रोजेक्टर वाला हेडलैम्प, ये नॉर्मल हैलोजन है। इंडिकेटर आपको नॉर्मल हैलोजन मिलता है, और पार्किंग बल्ब भी नॉर्मल हैलोजन इंडिकेटर इसमें हो गया। फॉग लैंप भी आपको प्रोजेक्टर में मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल हैलोजन मिलता है। फ्रंट में टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं सेल्टॉस में। अब आते हो साइड में, तो ये है भाई इसका स्टील रिम, 205x65 R15 इंच का मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाता है। पीछे साइड आते हो तो आपको इसमें भी डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाता है, यानी चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक कैलिपर सेल्टॉस में मिल जाएंगे। अब इस गाड़ी की अगर आपको फ्रंट लुक बताएं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं DRL, ये आपके वाइट कलर के जलेंगे। इसमें DRL का कोई सिस्टम नहीं है, बट इसमें मिल जाता है। इसमें प्रोजेक्टर वाला हेडलैम्प नहीं मिलता है, लेकिन रिफ्लेक्टर में अलग अलग हाई बीम लो बीम के लिए नॉर्मल हैलोजन मिलता है। इंडिकेटर आपको नॉर्मल हैलोजन मिल जाते हैं, लेकिन फॉग लैंप जो चीज़ है ये आपको मिलता है LED वाला इस सोनेट के साथ। और इसमें भी सेम आपको उसी की तरह 4 फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स जाते हैं मिल, ये देखो 1, 2, 3 और 4। स्किड प्लेट नीचे साइड यहाँ पर मिल जाएंगे। ग्रिल जो है आपको पियानो ब्लैक कलर का मिलेगा, इसमें आप देखते हो तो इसमें आपको नॉर्मल मैट ब्लैक कलर का मिलता है। अब रही बात टायर वायर को लेकर, तो टायर जो है ना इसमें भी आपको नॉर्मल स्टील रिम मिल रहा है, लेकिन आपको दिखने में भाई लगेगा अलॉय व्हील। वो कैसे, तो यहाँ पर आप देखो, ये देख रहे हो, जोर से खींचने पर नहीं ये बाहर आ जाएगा, वैसे बाहर नहीं आएगा, नट वोल्ट वाला सिस्टम है। तो इसमें टोटल 5 नट के साथ मिल जाता है। फ्रंट में सिर्फ डिस्क ब्रेक कैलिपर मिलेगा, पीछे साइड नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन इसमें आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं। और टायर साइज का जहाँ बात है तो इसमें आपको मिलता है 16 इंच का 215x60 R16, 16 इंच का इसमें भी मिल जाता है, 16 इंच का आपको इसमें भी मिल जाता है। तो लगभग टायर का जो साइज़ है वो कह सकते हैं भाई सेम है। ORVM के ऊपर इंडिकेटर मिल जाते हैं, सेम आपको ORVM के ऊपर इंडिकेटर मिल जाएंगे। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, जो फ़र्क बता रहा था ना, क्योंकि उसमें आपको फ़िलिप की मिलता है, ये ऐसा वाला चाबी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको फ़िलिप की वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। कीलेस एंट्री का सेंसर मिलता है, इसे प्रेस करो गाड़ी आपकी हो जाएगी अनलॉक। अंदर में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल मिल जाता है, तो चाबी लगाने का कोई झमेला नहीं है। चारों पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है, एक बार और इसे प्रेस करने पर इग्निशन अपना ऑन हो जाएगा। तो चारों पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है, जिसमें ड्राइवर साइड वाला 1 टच डाउन जाता है, 1 टच अप भी आता है। ORVM फोल्ड अनफोल्ड यहाँ से हो जाएगा, एडजस्ट करना वो आप यहाँ से कर लो। तो यहाँ पर का हो गया स्टोरी, स्पीकर ट्विटर आपको मिलता है डोर के ऊपर, बोतल होल्डर अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। अब आ जाओ
किया सोनेट में भाई वेरिएंट का फ़र्क है। एचटी के प्लस वाला वेरिएंट इसका भी लोगे ना तो उसमें फीचर्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। ओ भाई गाड़ी अनलॉक हुआ, चाबी लगाने का ये देखो सिस्टम, तो ये भाई चाबी लगाने पर कुछ ऐसे काम करता है। ओ आरबीएम फोल्ड अनफोल्ड तो हाथ से होगा लेकिन एडजस्ट सेम इलेक्ट्रिक वाला इसमें भी आपको मिल जाता है, पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है, बट वन टच डाउन मिलता है लेकिन वन टच अप नहीं मिलता जैसा कि आपको उसमें मिल रहा था। सेम आपको स्पीकर ट्विटर बोतल होल्डर मिलता है, अम्ब्रेला होल्डर इसमें नहीं मिलता है बट सोनेट में मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट सीट में यहाँ मिल जाता है, फ्लूइड ओपन करना उसका यहाँ पर कंट्रोल मिल जाता है। आ जाओ पहले थोड़ा यहाँ पर भी बात हो जाए। ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल हो गया, हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल हो गया, इतना चीज़ हो गया। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस 8 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको इस MID से रिलेटेड। भाई MID के ऊपर गौर करो, ये MID थोड़ा प्रीमियम थोड़ा अप क्लास टाइप का फील आपको कराएगा। यहाँ भी थोड़ा बात हो ही जाए भाई, जब आए हैं इस गाड़ी में तो ऑटो हेडलैम्प का कंट्रोल, मैनुअल वाइपर का कंट्रोल और ये जो है एडजस्टमेंट टिल्ट में सिर्फ होता है, टेलीस्कोपिक वे में एडजस्ट होता है नहीं। अब आते हैं आपको लेकर के सोनेट में, सोनेट में क्या क्या चीज़ मिलता है। तो सोनेट के ऊपर यहाँ तो आपको शायद हमने दिखा ही दिया चारों चीज़, देखो वन टच डाउन मिल रहा है ना, वन टच अप मिल रहा है ना, अम्ब्रेला होल्डर मिल रहा है ना, इसमें भी सीट में हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, फ्यूलेट ओपन करने का यहाँ मिल जाता है सिस्टम और सारा कुछ ये चीज़ से मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑन ऑफ ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप और इस जगह भी भाई सेम चीज़ मिलता है, ऑटो हेडलैम्प, मैनुअल वाइपर का कंट्रोल, ये है 8 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल, ये है आपका इस MID से रिलेटेड। अब ये MID देखकर थोड़ा आपको भाई नीचा नीचा सा फील आएगा, पुअर टाइप का फीलिंग जो कहते हैं ना वो चीज़, भाई पुराना वाला चीज़ चेंज किया लेकिन ये MID टॉप वेरियंट में सिर्फ चेंज किया, इसमें यही रहने दिया। तो ये कुछ ऐसा सा मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन दोनों में आपको सेम मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगा इसमें कम मिलेगा, इसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन के नाम पर जैसे ये आप देखते हो तो लाइट्स डोर्स इन सब से रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हो ऑटो स्टार्ट स्टॉप टायर प्रेशर इतना सा चीज़ इसमें भी जाता है, और स्टीयरिंग का जो एडजस्टमेंट है सिर्फ टिल्ट में होता है, टेलीस्कोपिक वे में इसमें भी नहीं होगा। अब फर्क देखो, ये देख रहे हो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC का कंट्रोल मिलता है जो उसमें आपको मैनुअल वाला मिल रहा है। उसके अलावा ये जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है 8 इंच का, भाई सेम फीचर्स मिलता है उस गाड़ी में भी और इसमें भी, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले काम करता है, ये 8 इंच का जो टच स्क्रीन मिल रहा है दोनों गाड़ी के साथ। तो ये फ्रंट साइड से कुछ इतना सा है। आर्मरेस्ट यहाँ पर मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर मिलता है, भाई इंजन 1.2 लीटर का छोटा सा इसीलिए मैनुअल वाला जो गियर ट्रांसमिशन वो 5 स्पीड मिलता है। चार्जिंग सॉकेट वॉकेट सेम मिलेगा, ग्लो बॉक्स भी मिल जाएगा, मैनुअल IRVM मिल जाएगा, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, रीडिंग लैंप आपको नॉर्मल हैलोजन वाला मिलेगा। तो देखो सेम ना, ये सारा कुछ चीज़ सेम है, यहाँ पर का बात कर लो, यहाँ पर का बात कर लो, ये सारा चीज़ का बात कर लो, सिर्फ फ़र्क है सेल्टॉस में एक्स्ट्रा मिलता है तो ये चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा मिलता तो ये ऑटोमेटिक AC का कंट्रोल जो है वो चीज़ और इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये जो है चाबी का झमेला है नहीं, ऐसा कुछ चीज़ मिल जाता है। अब आ जाओ फिर से भाई इस गाड़ी में, यहाँ पर दिखाना रह गया ना, ये जो है सेम चीज़ हमने बता दिया, वैसे फिर भी देख लो, रीडिंग लैंप ये सब नॉर्मल हैलोजन, सनग्लास होल्डर, ग्लो बॉक्स, आर्म रेस्ट, मैनुअल 6 स्पीड का गियर लीवर, ये पार्किंग वाला जो बटन है वो आपको इसमें इस जगह मिलता है, उस गाड़ी में यहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाता है। अब आपको ले चलते हैं बाहर साइड से पीछे साइड, वैसे ग्राउंड क्लियरेंस 188 mm का सेल्टॉस के साथ मिलता है लेकिन जहाँ बात आता है ग्राउंड क्लियरेंस का इस गाड़ी के साथ, तो इसमें आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। भाई ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में उस गाड़ी से ज़्यादा ये गाड़ी आपको देगी। रियर साइड में नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलता है, दोनों गाड़ी के बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग, EBD, हील होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS विथ EBD, मतलब ये जो भी सेफ्टी टाइप के फीचर्स है वो सारे चीज़ मिल जाते हैं, चाहे आप सोनेट लो चाहे आप सेल्टॉस लो। अब एक्स्ट्रा कुछ कुछ चीज़ जो है वो उसके ऊपर आते हैं, ये थोड़ा इसे कर देते हैं यहाँ से ऑन। पीछे आते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कनेक्टिंग वाला टेल लैंप, लंबे से साइज का जलता है, इंडिकेटर और रिवर्स लाइट आपका इसी के अंदर जलेगा, और वैसे रिवर्स लाइट ये है नॉर्मल हैलोजन, इंडिकेटर इसमें आपका जलता है, रियर कैमरा आपको इसमें जाता है मिल,
रियर वाइपर नहीं मिलेंगे, डिफॉगर मिल जाएंगे, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाते हैं, सार्क्सन एंटीना रूफ रेल्स मिल जाता है, सेम चीज़ आपको इसमें भी मिल जाता है, सार्क्सन एंटीना रूफ रेल्स, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर कैमरा मिल जाता है और चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। कमी क्या है, तो कमी है भाई डिफॉगर, वाइपर तो उसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें आपको डिफॉगर भी नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर का जो स्पेस है गाड़ी, जैसा कि जान रहे हो, वो है 4 मीटर से छोटी, ये है 4 मीटर से लंबी, तो इसमें आपको स्पेस उसके मुकाबले ज़्यादा मिलने वाला है। यहाँ पर 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, किसी भी तरीके का पार्सल ट्रे नहीं मिलता है, लाइट आपको बेशक से मिल जाएगा। उस गाड़ी में भी ऐसा नहीं है कम बूट स्पेस है भाई, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस है। कितना है, तो वो है 390 लीटर का बूट स्पेस आपको किया सोनेट में ऑफर किया जाता है। उसी की तरह सेम इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलता है और ना ही लाइट मिलता है, उसमें आपको बूट लैंप मिल जाता है, बट इस गाड़ी के साथ मिलने वाला है नहीं। अब इसको करते हैं बंद। 2 पार्किंग सेंसर्स पीछे साइड मिलेंगे, उस गाड़ी में टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। उसमें आपको कनेक्टिंग वाला जो टेल लैंप है वो नहीं मिलेगा, सारा कुछ नॉर्मल हैलोजन वाला मिलेगा, रिवर्स लाइट आपको यहाँ पर मिलता है। तो गाड़ी यार देखो ये लंबी है, अंदर साइड स्पेस ज़्यादा मिलेंगे, बूट स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा। ये गाड़ी है भाई छोटी, इस वजह से उसके मुकाबले थोड़ा स्पेस कम मिलेगा, बूट स्पेस भी कम मिलेगा। अब अंदर चलते हो पीछे वाले सीट पर, तो ये है इसका कर्टन, कर्टन तो उसमें भी मिल जाता है, पावर विंडो कंट्रोल, बाकी सारा कुछ यार सेम है। देख लो यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है, एसी वेंट्स यहाँ पर मिल जाता है, 2 चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, मैगजीन होल्डर सिर्फ को पैसेंजर साइड मिलते हैं, और सीट्स जो हैं ये आपको मिलते हैं साइड साइड में भाई, कहीं कहीं पर लेदर दिया है और कहीं पर फैब्रिक यूज़ किया गया है, इसमें भी आपको सारा फैब्रिक मिलता है। दोनों गाड़ी की एक निगेटिव चीज़ बताता हूँ, जो आपको ना इसमें मिलता है ना उसमें मिलता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट उसमें भी नहीं मिलता ना इसमें मिलता है, सीट जो है 60-40 में फोल्ड अनफोल्ड इसमें भी नहीं होता है ना उसमें होता है, ना ही आर्मरेस्ट मिलता है। बैठ करके दिखाऊं, देखो ये हम भाई बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ इतना सा स्पेस है, मतलब यहाँ पर इतना सा बाहर निकल रहा है, मानो मोटा मोटी भाई 3 उंगली या 4 उंगली के बराबर। अब आते हैं उसमें, वहाँ पर आपको स्पेस दिखाते हैं। देखो लेग रूम वगरूम तो कम है, अंदर थाई सपोर्ट जो है वो चीज़ भी देखना है कि वो कैसा है। तो यहाँ सेल्टोस के अंदर आते हो तो देखो सेम एसी वेंट्स, चार्जिंग सॉकेट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं, आर्मरेस्ट नहीं है। यहाँ पर बैठते हो भाई, सही बताएं भाई, अंदर थाई सपोर्ट ना इस गाड़ी का उसके मुकाबले ज़्यादा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल आपको बैठने में भी फील होगा। लेग रूम के साथ यहाँ पर भी जो है ना कंफर्ट, वो सेल्टोस में ज़्यादा आपको मिलने वाला है। फीचर्स वाइज भाई सेम मिलते हैं, सेम सारा कुछ चीज़ सेम। अब उसमें आप डीजल ले लोगे तो आपको सनरूफ अनरूफ हर कुछ चीज़ मिल जाएगा, लेकिन वही बात है फिर पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। इंजन की पावर की बात जहाँ है, तो ये अपना जो 1.2 लीटर का आता है इसमें आपको पेट्रोल इंजन 83 PS का पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करता है। तो देखो छोटा इंजन है, इस इंजन की बात बताएं तो ये है अपना 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर, 115 जितना वो लगभग टॉर्क प्रोड्यूस करता है उतना पावर का ये PS पावर प्रोड्यूस कर देता है, 115-116 PS का, और टॉर्क जो है वो 144 न्यूटन मीटर का। तो इंजन बड़ा है, पावर ज़्यादा है, वेट गाड़ी का ज़्यादा है, इसका वेट कम है, गाड़ी छोटा है, तो भाई लगभग पावर टू वेट रेशियो मिला जुला करके सेम तो नहीं कर सकते, बट ठीक है यार, सही है, 2,65,000 रुपये आपके बच भी तो रहे हैं। तो मोटा मोटी फ़र्क बताए ना, तो देखो फ्रंट साइड में इसमें आपको DRL मिल जाता है, LED वाला फॉग लैम्प मिल जाता है, इसमें आपको DRL नहीं मिलेगा और फॉग लैम्प भी आपको नहीं मिलने वाला है, फॉग लैम्प आपको नॉर्मल हैलोजन वाला मिलने वाला है। अलॉय व्हील टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाएगा, इसमें आपको नॉर्मल स्टील रिम टाइप का डिज़ाइन मिलता है, और ORVM जो है ये आपका फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए बटन मिल जाता है, ये आपको हाथ से करना पड़ता है। उसके अलावा आपको एक फ़र्क जो थोड़ा देर के लिए पसंद आ सकता है वो है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल, उसमें आपको चाबी लगाने का सिस्टम मिलता है, और तीसरा चीज़ है भाई इसका ऑटोमेटिक AC का कंट्रोल। तो यही 3-4 मोटा मोटी भाई फ़र्क है दोनों गाड़ी के बीच। 2,65,000 रुपये अगर आप बचाना चाहते हो तो भाई ये गाड़ी लो, लगभग पर्पस आपका सॉल्व दोनों बराबर ही करेगा। रोड चिकने तो हर जगह रोड हैं, वैसे भाई रोड की कोई नीड है नहीं कि ज़्यादा पावर एकदम चाहिए, ये भी कम मतलब कमज़ोर सा फील नहीं होता है। तो चलिए जी, यही किया सेल्टोस और किया सोनेट का HTK और HTK+ वेरियंट के बीच का भाई फ़र्क है।
बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो तक ड्राइव सेफ बी सेफ।